दोस्तों इस वक्त हमारे पास है 2022 मॉडल KTM RC 200 और ये हमारे हाथ में इसकी चाबी है और ये पूरी तरह से रीडिज़ाइन बाइक है। इसमें अगर आप लुक वगैरह सारा चीज़ देखेंगे तो कंपनी ने बहुत सारे बदलाव इसमें किए हैं। तो 2022 में जितने भी भाई लोग हैं जो KTM RC 200 लेने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ऑन रोड प्राइस के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन शुरुआत में मेरा ये सवाल है आपसे, KTM RC 200 जो पुरानी मॉडल आती थी 2021 में, उसको तो बहुत से लोग अच्छे जानते होंगे, उसकी डिज़ाइन में और इसके डिज़ाइन में आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि ये नया और फ्रेश लुक, ये नई डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हूँ। ये कलर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और इसके बारे में हम सबसे पहले मीटर कंसोल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है LCD पैनल आपको देखने को मिलता है और ये रीडिजाइंड LCD डैशबोर्ड है, जिसमें इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो गौर से देखेंगे अगर आप तो इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया, टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। ये पूरी तरह से LCD डैशबोर्ड है, तो इन्फॉर्मेशन अगर एक एक चीज़ मैं आपको बताने लगूँ तो इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। आप शोरूम विजिट करिए और नज़दीक से इस चीज़ को देखिए तो आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। इसके बाद हम आते हैं इसके हैंडल बार पे, क्लिप ऑन हैंडल बार है और राइडिंग पोस्चर इसका काफ़ी अग्रेसिव रहता है, ये सभी लोगों को पता होगा, मतलब थोड़ा आपको झुक के चलाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में आपको यूज टू होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडल साइड पे देखिए पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, आपको हॉर्न वगैरह मिलता है। राइट हैंडल साइड पे इंजन की स्विच और उसके नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, जो भी बदलाव था सबसे पहले इसके डिज़ाइन को लेके था और इसमें जो मीटर कंसोल आपको मिलता है ये भी आपको रीडिजाइंड LCD डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सीटिंग कंफर्ट वगैरह की ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे फ्यूल टैंक पे आप देखिए डुअल टोनिंग आपको इस्तेमाल करी गई है, ब्लैक और ऑरेंज, काफ़ी किलर लुक आता है, नो डाउट आपकी क्या राय है आप बताइएगा। और मैं फ्यूल टैंक की बात लगे हाथ बता दूँ तो 13.7 यानी कि 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ है, तो एक लंबी दूरी आप तय कर पाएंगे अगर आप फ्यूल वगैरह पूरा फुल करवा लेते हैं। ठीक है, और सीटिंग कंफर्ट की क्या ही बात करूं, आप लोगों को पता होगा ये अलग सेगमेंट की बाइक्स होती हैं और इनमें सीटिंग कंफर्ट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो राइडर है ना उनका पोस्चर हमेशा अग्रेसिव होता है, लेकिन जो पीछे बैठते हैं उनको हार्ड कुशनिंग का सामना करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रंट प्रोफाइल है यहाँ पे आपको पूरी तरह से LED मेन हेडलैम्प आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और उसके जस्ट बगल में आपको पोजीशन लैंप्स मिलते हैं जो कि वो भी LED हैं और साइड इंडिकेटर्स आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं फ्रंट वाइजर में ही। ठीक है, तो ये डिज़ाइन नया है ज़रूर, लेकिन मैं अगर बात करूँ पुराने वाले मॉडल से ना तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब जो पुराना वाला था ना वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि RC 200 2022 मॉडल में ये जो रीडिज़ाइंड आपको पूरा बॉडी वर्क देखने को मिल रहा है ये कैसा है और इससे आप कितने ज़्यादा इम्प्रेस हैं। चलिए यहाँ ब्रेक वगैरह मैं आपको बता दूं, आगे आपको 320 mm के रिंग जो है आपको देखने को मिलती है, ब्रेक रिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो ये डिस्क की साइज़ 320 mm की है और कमाल की ब्रेकिंग है क्योंकि इसमें डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, आगे और पीछे दोनों तरफ ABS की चैन लगी हुई है, तो KTM की कोई भी बाइक हो उसमें आपको ब्रेकिंग को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। WPFX 43 120 mm ट्रेवल के साथ आपको फ्रंट सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है, सस्पेंशन क्वालिटी बढ़िया है, अगर आप इसे टेस्ट राइड लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। अब पीछे वाले अगर सस्पेंशन की बात करूं तो पीछे भी आपको WPFX मोनोसॉक 150 mm ट्रेवल के साथ सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, सीट वगैरह खोलने के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप सीट वगैरह पीछे वाली खोल सकते हैं इसकी आसानी से। और मैं सीटिंग कंफर्ट की बात लगे हाथ आपको बता ही रहा हूँ शुरू से, तो जो राइडर है ना उनको स्टार्टिंग में अगर वो KTM की कोई भी बाइक अगर RC 125 या RC 200 पहले नहीं चलाई है तो उन्हें इस बाइक के साथ 2-3-4 दिन यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथों में थोड़े बहुत तकलीफ दर्द वगैरह हो सकता है अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर होने की वजह से। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इंजन है उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है, लिक्विड कूलिंग होने की वजह से हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है और 199.5 यानी कि 199.5 cc का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 25.83 PS की देखने को मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 19.5 Nm का देखने को मिलेगा, तो पावर तो आपको कमाल का मिलने वाला है, इसको लेकर आप कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। 5 गियर कंपनी प्रोवाइड करती है और इतना इनफ है इस बाइक के लिए। पीछे वाला डिस्क अभी आप देख रहे हैं, इसकी साइज़ की बात करूँ तो 230 यानी कि 230 mm का है और इसमें भी ABS की चैन आप देख पाएंगे। टायर की बात मैंने आपको नहीं बताई थी, तो आपको बस इतना बता दूं कि आगे और पीछे दोनों तरफ टायर्स वगैरह की जो चौड़ाई है ना वो परफेक्ट है इस बाइक के अकॉर्डिंग।
ठीक है, अगर आपकी कोई राय हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बता दूं, इस बाइक का जो कर्व वेट है वो 151 यानी 151 किलोग्राम की ये बाइक है। फ्यूल भरवाने के बाद वेट और भी बढ़ जाएगा। इसकी जो सीट हाइट है 824 mm की है यानी 824 mm की है। तो जितने भी भाई लोग लेना चाहते हैं, लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। जिनकी हाइट शॉर्ट है, जिनकी हाइट कम है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस 158 mm का है, इंडियन रोड्स के हिसाब से सही है, उसको लेके भी ज़्यादा शिकायत नहीं करेंगे। अब जो नई चीज़ें इसमें हुई हैं वो मैंने आपको बता दी कि रीडिज़ाइंड आपको LCD डैशबोर्ड मिलता है, कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड इसका बॉडी वर्क है, और जो हैंडल बार इसमें आपको मिलता है ना, इसको लेके भी एक बदलाव है। ध्यान से सुनिएगा कि ये पहले से 15 mm लार्जर किया गया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है। अगर आप चाहें तो इसे 10 mm तक नीचे भी करवा सकते हैं, ठीक है। और जो इसका वेट है ना, इस पूरी ही बाइक का वेट है वो पिछली वाली बाइक से, जो पिछली वाली मॉडल थी उससे लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वेट कम किया गया है, ठीक है। और जो इसमें सीट आपको मिल रही है ये नई सीट है, पिछली वाली से जो कुशनिंग है वो बेहतर करी गई है, ठीक है। चलिए अब हम प्राइस पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बहुत से लोगों को अभी माइलेज की भी पड़ी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिटी में चलाते हैं तो 25-30 यानी कि 25-30 का माइलेज आप निकाल सकते हैं अच्छी राइडिंग में, और अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो 30+ यानी कि 30 के ऊपर का माइलेज आप निकाल सकते हैं। अब प्राइस पे फोकस कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। 209,000 इसकी एक्सोरूम प्राइस चल रही है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में है तो यही प्राइस मिलेगी, उत्तर प्रदेश के बाहर है तो 2-3 हज़ार का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। कंप्लीट बाइक आपको मिलेगी 238,000 से 245,000 के बीच में, यानी कि 238,000 टू 245,000 के बीच में आपको KTM RC 200 2022 मॉडल कंप्लीटली कागज़ वगैरह के साथ देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी @DavidRahulGR पे आप फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा और जब भी बाइक चलाइए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।